मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज संडे है, दिस इज 3rd December एंड फाइनली वी डिड इट। इसलिए बिकॉज पिछले एक महीना से हम लोग 7 बजे उठ रहे हैं सुबह के, एंड दिस इज नॉट गुड, वी नो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड्डू तो पूरा वेल डेक्ड अप है, एकदम सुबह का कपड़ा जैसे, एकदम स्पोर्ट्समैन वाला कपड़ा पहन के। मेरे पास है नहीं गाइस, क्या करें, तो इसी से काम चला रही हो। ये वैसे गुड्डू का स्पोर्टिंग पहन लिया मैंने। एनीवेज, सुबह के 7 बजे हम लोग उठ रहे थे, इतना दिन है ना, हमें पता है दिस इज नॉट गुड। आज फाइनली गुड्डू ने लीड लिया एंड बोला कि चलो सनराइज देखते हैं। इसका लोभ से मैं उठी हूँ, लेकिन अभी मतलब उजाला तो हो गया है, बट सनराइज का टाइम करीब 6 बजे, ऑलमोस्ट 6 बजे का है, तो अभी निकलते हैं, थोड़ा घूमेंगे। एंड आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग गुड। एक बारी आप बिस्तर से ऐसे जम करके उठ जाने के बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, लेकिन वो ही बहुत टफ है। आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, मैं हमेशा से ये बोली हूँ, बट उठ जाने के बाद ना बाहर आने से, घूमने से अच्छा ही लगता है। अभी चलते हैं घूमने। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो गुड गाइस। जो सनराइज मुंह में पड़ रहा है ना, ये काफ़ी टाइम बाद, लास्ट एक महीना में सिर्फ छठ पूजा के टाइम पे मैं उठी थी सुबह, सिर्फ एक दिन, एंड नाउ आई एम फीलिंग सो गुड। ऐसा लग रहा कि हाइलाइटर लगाया है, बट दिस इज नेचुरल, द सनराइज। गुड्डू यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा है, उसका शक्ल देखिए। गाइस यहाँ पे एक साइन बोर्ड है विच सेज कि इवनिंग सनसेट बोटिंग 3:30 to 5:30 PM शुरू होता है एवरी डे, एंड काजीरंगा बोट सफारी फ्रॉम 7:30 to 2:30 PM और 7:30 AM to 2:30 PM एवरी संडे। सो वी आर थिंकिंग कि हम लोग कभी जाएंगे, आज तो प्लान होके नहीं आए, तो आज नहीं फिर कभी। एंड पर पर्सन 1000 rupees लगता है काजीरंगा बोट सफारी वाला, एंड सनसेट बोटिंग वो पर पर्सन 200 आई गेस। सो या मज़ा आएगा। मैं काजीरंगा वैसे घूमी हूँ, लेकिन बोट में जाने का मज़ा अलग होगा आई गेस। सो अभी बस थोड़ा देर रुक के मैं ये सनरेज लूँगी, दैट्स इट। आज वर्कआउट वगैरह नहीं करूँगी, वैसे घर में थोड़ा बहुत करती थी, घर जाके देखते हैं, लेकिन गुड्डू तो इधर ही खत्म कर देगा आई गेस। अपना सारा सामान मेरा यहाँ पे बांध दिया, खुद वर्कआउट कर रहा है, अपना चीजें नहीं संभाल सकते। I'm very grateful guys that I got to see this sunrise today. Sunset बहुत लोग देखते हैं, बट सनराइज ना बहुत ही कम लोग देखते हैं, एंड आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल टुडे। मुझे एक्चुअली रोज देखना है ऐसे। सुंदर व्यू आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। तो गाइस आते समय पूर्वा से नाश्ता करके आए, एंड उसके बाद थोड़ा सा चिल किया मैं घर में, एंड अभी नहावा के रेडी हूँ, अभी मैं जाऊंगी अपने घर मम्मी के उधर।
बहन यहाँ पे मछली काट रही है और मैं बैठ के धूप सेक रही हूँ। यही बनाएगी, बहुत टेस्टी मछली बनाती है मेरी बहन। लंच करके आने के बाद थोड़ा सा लेट गई, लेकिन मतलब सोई नहीं, नींद तो लग रहा है बट सोई नहीं। अभी चार्ज फिर जाएंगे हम लोग, वहाँ पे कुछ आया हुआ है, कल देख के आई थी, एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, तो अभी जाके देखेंगे। सेकंड्स पहुंच गए यहाँ पे चार्ज फिल के सामने, यहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ है, मतलब बहुत भीड़ है। कल हम लोग यहाँ से स्कूटी चला के गए, अंदर घुस के नहीं गए, और कल बहुत खाली था ना गुड्डू। हाँ बट कल भी फंक्शन हो रहा था। अच्छा लग रहा है, समथिंग नाइस। द शॉल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, ये वाइट वाला ना। भैया कहाँ से आए आप लोग, देखे चलो। ओके थैंक यू, दिस इज द इंस्टाग्राम पेज। ये वाला स्टोर बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, जिसमें सारे हैंडमेड मतलब वुडन चीज़ें बने हुए हैं, होम डेकोर वाले। तो इन लोग फ्लिपकार्ट में भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, ले लिया है कार्ड मैंने, बाद में घर में जाके अच्छे से देखूंगी। आई लव्ड इट, एवरीथिंग इज वेरी लवली, राइट गुड्डू? यस, यही बेस्ट लगा मुझे बाकी सब चीज़ों से। अरे क्या खा रही हो? इतना सब कुछ देख के बस यही खरीदी हूँ, पॉपकॉर्न। लास्ट मंथ मैंने बहुत कुछ ले लिया था अपने लिए। तो हम लोग अभी डिनर करने आए हैं सेंट पॉइंट। पता नहीं गुड्डू को अचानक से मतलब मन किया कि नान वगैरह खाते हैं। ये बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बज गए, बाय बाय बोल दो मेरे व्यूअर्स को। सो गाइस, दिस वाज इंडीड अ वेरी गुड वीकेंड। इससे मुझे जोश मिलेगा कल से अच्छे से काम करने में। सो मैंने बहुत मज़े किए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया अच्छे से, एंड आई हैड सम गुड फूड। एंड या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट जरूर करना। दिस इज द बेस्ट पार्ट लाइक। सो या आई मीट यू वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।